स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नए डाउट के बारे में, डेट इज रिगार्डिंग सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम 2020। तो अभी अभी एक कमेंट मेरे पास आया जिसमें एक डाउट पूछा गया, तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना ज़रूरी है। तो उसका डाउट ये था कि जैसे अगर आप किन्हीं सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं तो क्या आप नेक्स्ट ईयर यानी 2020 में अपना इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका आंसर है नो, आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हो सकते हैं, आपको रीअपीयर होना होता है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको रीअपीयर होना होता है, और जो बच्चे पास होते हैं वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं। तो अब जो बच्चे फेल होते हैं उनको डाउट ये है, क्या वो प्राइवेट कैंडिडेट्स की तरह जैसे प्राइवेट कैंडिडेट्स इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो आपके जब फॉर्म आते हैं आपके अक्टूबर या नवंबर में सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर, वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट का जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इम्प्रूवमेंट, फेलियर, कंपार्टमेंट। तो आप जिसमें आप अगर आप फेल हो चुके हैं तो आपको फेलियर वाले ऑप्शन में जाना होता है, और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे इम्प्रूवमेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं। वहाँ जाके अपना रोल नंबर देना होता है प्रीवियस ईयर का, अपना स्कूल नंबर और जो भी उसमें डिटेल्स मांगी गई होती है पिछले साल से रिलेटेड, वो सब आपको उसमें भरनी होती है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं आप किन में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। और जो फेल बच्चे होते हैं उनको तो पाँचों सब्जेक्ट में देना पड़ता है, जितने भी सब्जेक्ट्स में आपने 12th क्लास की थी उन्हीं सब में आपको फिर से अपीयर होना होता है। जबकि इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के पास चॉइस होती है कि वो एक या एक से ज़्यादा में अपीयर हो सकते हैं। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे और फेलियर वाले बच्चों को थोड़ा समझना होता है। और आप चाहते हैं तो आप रेगुलर कैंडिडेट्स की तरह भी भर सकते हैं, कोई भी स्कूल डिनाई नहीं कर सकता। मैंने देखे काफ़ी स्कूल मना करते हैं बच्चों को कि हमारे स्कूल से आप रेगुलर फिर से दोबारा से रीअपीयर नहीं हो सकते, क्योंकि एक तरह से उनके स्कूल के लिए वो सोचते हैं कि उनकी इमेज ख़राब होगी। जबकि ऐसा करना NCF 2005 और RTE एक्ट 2009 के ख़िलाफ़ है। तो अगर ऐसा कोई स्कूल करता है तो ये गलत है, आप उनको मना नहीं कर सकते। जो बच्चे फेल हुए हैं उनको दोबारा से रेगुलर अगर वो चाहते हैं तो वो स्कूल से कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप प्राइवेटली भर सकते हैं। कोई भी ये मत सोचेगा कि इसमें कोई नुकसान होता है, बच्चों को थोड़ा सा नुकसान रहता है कि ये सोचते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट वालों की वैल्यू कम होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की बराबर इक्वल वैल्यू होती है। आपको जब आप जॉब लेने जाएंगे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप रेगुलर थे या प्राइवेट थे, सिर्फ आपकी मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी है। तो अगर आप प्राइवेटली भर रहे हैं तो इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपको फ़ीस भी पे नहीं करनी होती, जबकि आप रेगुलर करेंगे तो आपको फिर से एक साल की फ़ीस पे करनी होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या से लगता है, पर मेरे हिसाब से दोनों की इक्वल वैल्यू है, तो जैसा आपको ठीक लगा आप कर सकते हैं। तो ये था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा डाउट क्लियर करने की मैंने कोशिश करी, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ हो। कोई भी आपका नया डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन मुझे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके डाउट अगर क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ पूरा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और वो ऐप डाउनलोड करके आप मेरी आईडी सर्च कर सकते हैं, डेट इज़ विबगर क्लासिट्स एट CM4। तो अगर मुझे सर्च करेंगे तो आप मेरे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं सुबह दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो आई होप आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी नया नोटिस आता है उस बारे में नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे। थैंक यू।